भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रतिनिधि यूनियन के लिए चुनाव शनिवार 30 जुलाई को संपन्न हुए। मतदान के लिए कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं मतदान केंद्रों में पुलिस और सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए थे। बहुप्रतीक्षित भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रतिनिधि यूनियन के लिए चुनाव शनिवार को संपन्न हुए। मतदान के लिए सेक्टर 2 स्थित मतदान केंद्र में व्यापक रूप से व्यवस्था की गई थी। मतदान केंद्र के बाहर सभी श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा अपना अपना पंडाल लगाया गया था, जहां मतदान करने आ रहे बीएसपी के कर्मचारियों को जानकारियां दी जा रही थीं। वहीं मतदान केंद्र के अंदर पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने व्यवस्था संभाल रखी हुई थी। मतदान करने आ रहे सभी कर्मचारियों के आईडी चेक करने के उपरांत ही उन्हें भीतर प्रवेश दिया जा रहा था। मतदान केंद्र में कोविड नियमों का पालन भी कर्मचारियों से कराया जा रहा था। हाथों को सैनिटाइजर से धुलवाने, मास्क लगाने के उपरांत ही मतदान केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा था। मतदान के लिए आ रहे कई कर्मचारी अपना नाम भी ढूंढते नजर आए। बहरहाल मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सभी यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।